कंट्रोल करते हैं, हर इंस्टीट्यूशन ऑफ द यूनिवर्सिटी को वो कंट्रोल करते हैं, हमारी कहीं आवाज ही नहीं है। अगर नहीं है तो हम क्या करेंगे? हम या तो जनता से अलग हो जाएंगे, एंड दैट इज द स्टैंड वी आर थिंकिंग ऑफ टेकिंग वेरी सून। टुडे वी हैव अ मीटिंग, एंड इफ दे डोंट लिसन टू अस वी विल हैव टू टेक अ स्टैंड। दूसरी बात हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि अध्यापक होते हुए हमारा जो पहला कर्तव्य है उस यूनिवर्सिटी के प्रति, जिस यूनिवर्सिटी ने हमें ये माहौल दिया है कि हम अच्छी तरह पढ़ सकें, वो फंडिंग दी है कि हम अच्छी तरह से अपने बच्चों की जिंदगी बना सकें, कि हम उसको अच्छी तरह उन्हें रिसर्च करा सकें, लेकिन हमने पूरा माहौल ऐसा खराब कर दिया, बच्चे घरों को छोड़ के यहाँ हॉस्टल में पड़े हैं, उनको समझ नहीं आ रहा है वो क्या करेंगे। मेरे सेंटर के सारे बच्चे जो हैं वो बेचारे परेशान हैं, क्योंकि वो लॉ एंड गवर्नेंस में यहाँ पे एक बहुत अच्छा करियर बनाने के लिए आए हैं, रिसर्च करने के लिए आए हैं। जब वो हमारे सेंटर में आए थे तो उन्होंने सोचा था कि हम पता नहीं इस देश के किस कोने से ऐसी क्या चीज़ ढूंढ के ले आएंगे कि बढ़िया एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स हम इस देश में ला सकेंगे, लेकिन वो लोग हॉस्टल में पड़े हुए हैं, हॉस्टल से बाहर निकलेंगे तो उनको जो है उल्टा सीधा बोला जाता है, तो वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं ज़्यादातर चीज़ों में। और तीसरी बात ये है कि हमारे काम में रोक डाली जाए, हम अपना काम करना चाहते हैं, जिंदगी बनाना चाहते हैं, जो घर छोड़ के स्टूडेंट्स यहाँ पढ़े हैं उनके साथ हम समय गुजार के उनकी कोर्सेज को कंप्लीट करना चाहते हैं, असाइनमेंट्स को इवेलुएट करना चाहते हैं, और उन्हें उनके जो कॉन्सेंट्रेशन जिसको कि इन्होंने बिगाड़ दिया है बिल्कुल, उसको रास्ते पे लाना चाहते हैं। लेकिन आज जो इन्होंने बिगाड़ा है, अब आप अगर ये स्ट्राइक जो है विड्रॉ कर भी लेते हैं तो ये मुश्किल हमारी होगी कि हमें एक महीना लग जाएगा पूरी एजुकेशन सिस्टम को यहाँ पर स्ट्रीमलाइन करते हुए। वो स्टूडेंट्स इतने बिखर जाएंगे, हर बात की एक्सक्यूज होगी कि वो स्ट्राइक था तो ये हो गया, हम लाइब्रेरी नहीं गए, वहाँ शोर मच रहा था, वहाँ ढोलक बज रही थी, वहाँ नारेबाजी हो रही थी। दिस इज अ ट्रेड यूनियनिज्म इन विच यू टेक द होल यूनिवर्सिटी फॉर होस्टेज। जो ये क्रम चला 9 तारीख के बाद से, इसमें उन्होंने भारत विरोधी नारे लगाए, वो पूरी मीडिया के सामने है, उसके जो अपराध हैं, जो उस पर एक्शन हो सकता है यूनिवर्सिटी ले। हमने ये वाइस चांसलर को बहुत साफ साफ कहा है कि आपको एक्शन लेना है, स्ट्रिंजेंट और स्विफ्ट एक्शन लेना है, और हम वाइस चांसलर को इस बात के लिए अप्रिशिएट करते हैं कि उन्होंने एक हाई पावर कमेटी, इम्पार्शियल हाई पावर कमेटी बना दी है, वो अपना काम कर रही है, उस पर हमारी पूरी आस्था है। इस तथाकथित अध्यापक संघ की डिमांड ये है कि वह हाई पावर कमेटी आप क्यों मान रहे हैं, आप दूसरी एक कमेटी बनाइए, हम उस पर विश्वास नहीं करते हैं, अगर वो दूसरी बनाए होते तो कहते तीसरी बनाइए। तो इनका हम केवल इसलिए आज आपको यहाँ पर मिल रहे हैं, पूरे देश को मिल रहे हैं कि ये हैंडफुल लोग हैं। आप ये समझ लीजिए, इस विश्वविद्यालय में करीब 650 अध्यापक हैं और 1500 कर्मचारी हैं, 8,500 छात्र हैं, कम से कम 8,000 छात्र पूरी तरह से पढ़ना चाहते हैं, ये 500 छात्रों को बरगलाते हैं, ऐसे छात्रों को जो किसी गरीब घर से आए हुए हैं, जिनके पास 2 जून की रोटी नहीं है, ऐसे माता पिता के घर से आए हुए छात्रों को ये किसी न किसी तरह से प्रलोभन दे करके कि हम तुम्हें सर्विस दिला देंगे, हम तुम्हें ये, इस तरह का जो कम लोग, थोड़े से लोग, मैंने 600 अध्यापक पढ़ाना चाह रहा है, ज्यादा से ज्यादा ये 50 लोग हैं जो चाहते हैं कि इस तरह का डिस्टर्बेंस बना रहे, इसलिए वो कुछ न कुछ इस तरह का मुद्दा करते रहते हैं। आज हम वहाँ पर गए एडमिनिस्ट्रेशन के सामने, वहाँ उन्होंने हमारी आवाज को दबाने की बात की, उन्होंने हमारे ऊपर वो किया, आक्रमण सा किया, और हम केवल यह कहने गए थे, कि ये कुछ लोग हैं जो इसको बंधक बना करके रखना चाहते हैं, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो हमने यह देखा वहाँ पर कि जो अध्यापक संघ कहता है स्पीच की आजादी हो, वो जब हमारे स्पीच की बात आती है तो वो मना कर देते हैं। तो हम ये इसलिए आज लड़ाई कर रहे हैं और हम सड़क पर हैं, हम चाहते हैं पढ़ाना, छात्र पढ़ना चाहता है, पूरा देश ये जान ले कि ज्यादातर छात्र पढ़ाना चाह रहे हैं, इसलिए हमारे हमारे साथ 600 अध्यापक, जो 50 निकलते हैं बाहर, वो ये कहते हैं कि हम नहीं पढ़ाना चाहते हैं,
किंतु 600 टीचर जो हैं, जो अपने काम में लगे हुए हैं, जो लैब में बैठे हुए हैं, चले जाइए आप। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरा क्लेम मान लीजिए, आप साइंस स्कूल के लैब में चले जाइए, संस्कृत सेंटर में चलिए, यहाँ छात्र हैं, आप पूछ लीजिए। आज भी हम लोगों ने क्लास ली है, क्लासेस चल रही हैं, और सारे के सारे अध्यापक पढ़ाना चाह रहे हैं। मान लीजिए एक चीज हम बोलना चाहते हैं कि मैं यहाँ 1973 एज ए स्टूडेंट आई, हमेशा होता था पॉलिटिकल डिबेट्स, डिस्कशन सब होते थे। कभी भी मैं आज 1973 से लेके आज 2016 इज द फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ मैं ऐसी एंटी नेशनल स्लोगन्स, वो भी दिल्ली के हार्ट पे बैठे, मैं कहीं बाहर थी और जहाँ भी मैं गई मैं शर्मिंदा हो गई कि ये कहते जेएनयू में आपके ऐसे हो रहे हैं, आप जेएनयू के प्रोफेसर हैं। आई कैन नॉट इमेजिन कि हमारे स्टूडेंट्स यहाँ पे दिल्ली में बैठे, मैं कश्मीर में भी 10 साल पढ़ाई हूँ और कश्मीर में कभी कभी हम सुनते थे, बट जेएनयू में हमने कभी भी आज तक ऐसी एंटी नेशनल स्लोगन नहीं सुना है। और इस मामले में आई एम वेरी पेन्ड एंड सरप्राइज दैट जुनूटा इज सपोर्टिंग दिस। जुनूटा इज नॉट इवन डिस्ट्रॉयिंग द करियर ऑफ द स्टूडेंट्स, दे डिड नॉट इवन कंडेम दिस एक्शन। व्हाट काइंड ऑफ नेशनल लीडर्स आर यू? Is this how we are going to take the opinion of the teachers? Because the teachers and students who are protesting are saying that the manner in which the student union president was picked up was not legal, the manner in which the Delhi police was allowed to come inside. What is your stand as far as this? There is no intervention from the administration whatsoever. This is a decision taken because anti-national slogans. When you talk about Afzal Guru.